अमेठी जिले में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। जानकारी के अनुसार अमेठी जनपद में कल दो पक्षों में हुआ जमीनी विवाद को समझाने पहुंचे ग्राम प्रधान पति की हुई मौत व साथी के घायल होने का मामला ग्राम प्रधान पति मृतक रिजवान के भाई के तहरीर पर हत्या का मुकदमा हुआ था दर्ज। वही प्रशासन ने मामले को लिया संज्ञान। प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ की कार्यवाही। तालाब की जमीन पर बन रहे मकान को ढहाया प्रशासन। बृहस्पतिवार की सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचा तो मचा हड़कंप। प्रशासन ने भारी पुलिस के साथ पहुंचकर चलवाया बुलडोजर। इन्होना थाना क्षेत्र के करण गांव का है मामला। सर अमेठी के करण गांव, ये इन्होना थाना क्षेत्र के करण गांव में जिस घटना हुई है, घटना के बाद कार्रवाई चल रही है, किस तरीके की कार्रवाई है आप लोगों द्वारा? तो घटना के बाद जो है हम मौके पर खून की पैमाइश कराई गई और पैमाइश से पाया गया कि जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो है तालाब की भूमि में पिलर बना करके और लैट्रिन बाथरूम बना करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था और इसी को हटाने की कार्रवाई वर्तमान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सर इस घटना में कितने लोगों का जो है अगर हाथ हो सकता है, कितने लोगों के खिलाफ एफ आई आर हुई है और क्या और कार्रवाइयाँ कितने लोगों के खिलाफ हो सकती हैं ऐसे तालाब में जो चिन्हांकन की हुई है? जो भी व्यक्ति तालाब में या किसी भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करेगा और वो भू माफिया किस्म का व्यक्ति होगा जिसके पास एक से अधिक घर हैं उसके बाद निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र में संदेश दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ इस तरह की अवैध कब्जे हैं और भू माफिया किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।